नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज एक और रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आज मैं बना रही हूँ आलू झूरी भाजा। चलिए देख लेते हैं इससे कैसे बनाया जाता है। ये बहुत जल्दी और बहुत झटपट बन जाता है, तो चलिए हम देखते हैं कि मैं इसे किस तरीके से बनाती हूँ। पहले मैंने आलू को अच्छे से छील लिया है। छील के इसे मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करके हमें नॉर्मल पानी में इसे 3 से 4 बार अच्छे तरीके से धो लेना है। धोने के बाद इसको मैं इस तरीके से पानी अच्छे से झड़ा लूँगी। कम से कम हमें आधे घंटे से 1.25 घंटे के लिए इसे इस तरीके से रख देना है, जिससे कि अच्छे से पानी झड़ जाए। उसके बाद जो है हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने एक छोटे से कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल लिया है। अब मैं इस रिफाइंड ऑयल में थोड़े से मूंगफली फ्राई करूंगी। इसमें मूंगफली और कड़ी पत्ता बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैंने यहाँ पर कड़ी पत्ता यूज़ नहीं किया है। मैंने यहाँ पर सिर्फ मूंगफली यहाँ पर यूज़ किए हैं। मूंगफली को मैं अच्छे तरीके से फ्राई कर लूंगी जब तक कि ये रेड नहीं हो जाती। ये कच्चे मूंगफली है और मैं इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लूंगी। जैसे ये फ्राई हो जाते हैं, इसे मैं अलग से एक बोल में निकाल लूंगी। निकालने के बाद मैं अब आलू को थोड़े थोड़े करके इसमें देके फ्राई करूंगी। छोटे छोटे बैचेस में इसे फ्राई करने हैं। एक बार में बहुत सारा नहीं दे देना है, नहीं तो ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके आलू देना है और फ्राई करते रहना है। पहले से हम नमक और हल्दी इसमें मिक्स नहीं करेंगे, नहीं तो ये जो है एक दूसरे के साथ चिपक जाएगा और कुरकुरा बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए हमें तेल में ही थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक देके इसे फ्राई करना है। और एक बात आप ध्यान रखिएगा, फ्राई करते समय फ्लेम को लो मत कीजिएगा। फ्राई करते समय हमें फ्लेम को मीडियम से हाई रखना है और इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है, जिससे कि ये बिल्कुल जल ना जाए। देखिए यहाँ पर जो है आलू थोड़ा फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसे बोल में निकाल लूँगी। जिस बोल में मैंने मूंगफली को रखे हैं, उसी बोल में मैं इसे निकाल लूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले और भी रेसिपी के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। ये देखिए यहाँ पर रेडी है। मैंने मूंगफली के साथ आलू भुर्जी को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है। आज का ये वीडियो बस यही तक। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं बहुत जल्द आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्ते।